हे गाइस, दिस इज ओमेन, यू आर वाचिंग हमारे सीलॉग्स। वेलकम बैक इन अनदर वीडियोस। हियर इज ऑल न्यू टाटा हैरियर 2023 रेड डार्क एडिशन # डार्क रूल, है ना गाइस। स्पीड तो बनता है इसके नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट फैंसिया कतई जहर है। # डार्क एडिशन में भी सेम दिखता था, बट # डार्क रेड एडिशन में आपको रेड इंसर्ट कर दिया गया है। इंटीरियर में मेजरली चेंज है, आपको एक्सटीरियर से ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, बट इसके जो है ग्रिल में थोड़ा सा आपको रेड की स्ट्रिचिंग मिल जाएगी। बाकी इंटीरियर मैं जब टाइम आएगा तो वो भी दिखा दूंगा। इंजन स्पेक्स वगैरह मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। और ये कार जो है अवेलेबल है टाटा के शोरूम में। यहाँ पर जो है आपके आपकी नियरेस्ट टाटा शोरूम में विजिट करके आप इसकी डिटेल्स वगैरह कोटेशन वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर से जो है आप बात करोगे तो लो बीम आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा, वहीं हाई बीम आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाएगा विथ LED। हेलोजन बल्ब जो है प्रोजेक्टर आपको LED ही देखने को मिलता है। देखने टाटा की लोगो भी आपको जो है डिक्रोम कर दी गई है, ब्लैक कर दी गया है। आपको जो है DRL मिल जाएगा बड़ी बड़ी, और वहीं पर जो है अम्बर कलर की इसमें जो है इंडिकेटर जलती है। आप साइड से देखोगे तो कतई जहरा लंबी सी है, 4.5 मीटर से भी बड़ी लंबी है। 18 इंच के जो है इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे विथ रेड ब्रेक कैलिपर्स। तो यहाँ से जो है आपको पता चलेगा कि ये रेड डार्क एडिशन है। पीछे से यहाँ पर आपको डीजल की फुल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। यहाँ पर जो है क्रोम हटा दिया गया है क्योंकि ये डार्क एडिशन है। यहाँ पर से पीछे से आप टेल लैंप आप देख सकते हो, LED है इंडिकेटर, और रिवर्स पार्किंग लैंप बस हेलोजन देखने को मिलता है, है ना। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टाउट लैंप और शार्क फिन एंटीना सब पीछे आपको मिल जाएगा। वाइपर भी मिल जाएगा। हैरियर की बैजिंग आपको क्रोम में मिलती है। मेरे ख्याल से इसको भी जो है आपको डार्क में करना चाहिए था टाटा कंपनी को। बाकी यार व्हील बेस आपको 2741 mm की मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 प्लस मिल जाएगी। तो फिलहाल ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसी की कंपैरिजन में मतलब कंपटीशन में आपको स्कॉर्पियो NZ8L मिल जाएगी। हालांकि इस कार की एक शोरूम प्राइसिंग भी बताऊंगा। यहाँ पर आपको जो है वेंटिलेटेड सीट मिल जाएगा, चारों के चारों आपको पावर विंडो मिल जाएंगे, 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, 4 ट्वीटर्स और एक पीछे की साइड डिक्की में आपको सबवूफर मिल जाएगा। सॉफ्ट टच जो है इंटीरियर दिया हुआ है, रेड कलर के थोड़ा सा स्ट्रिचिंग दिया हुआ है, जाकि आपको लगे कि रेड डार्क एडिशन है। आफ्टर ऑल ये आफ्टर मार्केट में कराया जाता था, बट अभी ये कंपनी ही देना चालू कर दिया है। यार बैठकर देखने में यहाँ पर जो है सबवूफर, JBL की बैजिंग, 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं, कतई जहर हनुमान गार्डन की जो है सिस्टम मिल जाएगा। तो सही है यार, मतलब ना स्पीकर के मामले में पूरा टॉप एंड है। हालांकि ये टाटा हैरियर XZA+ टॉप एंड नॉच है। सब कुछ आपको यहाँ पर जो है वैलिडेटेड वेंटिलेटेड सीट मिल जाएगा, हाइट एडजस्टेबल है और वेलकम सीट्स इसमें मिलता है। तो ये ऑटोमेटिकली नीचे जाता है डोर ओपन होने पर। इंटीरियर आप देख सकते हो ये XZA+, मतलब ये ऑटोमेटिक में है। और यहाँ पर जो देख सकते हो डायमंड जो है आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिल जाएगा विथ टिल्ट एंड टेलिस्ट पोकिक। और यहाँ पर जो है इसकी जो लोगो है वो भी मतलब डिक्रोम्ड है ना। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो सेमी डिजिटल, मीटर में बीच में आपको MID मिल जाएगी डिजिटल। और यार सीन तो अच्छा है, इधर टैकोमीटर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है इसकी ऑटोमेटिक गियर स्पीड, यहाँ पर जो है इंजन टेम्परेचर वगैरह इसके सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। इसमें अडास्ट लेवल 2 की फीचर्स जो है अवेलेबल है, 360° कैमरा अवेलेबल है, यहाँ पर से आप चेक कर सकते हो। हालांकि इसमें अडास भी आता है, तो आप इसके एक ऑप्शन आता है, आप अलग से इसको परचेज कर सकते हो। उसके बाद जो है बात करते हैं, यहाँ पर आपको राइडिंग मोड्स मिल जाएगा। और जैसे कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाएगा, टॉप एंड नॉच है, है ना। यहाँ पर जो है कुछ स्पेस मिल जाएगा, इस पर यहाँ पर से आप कंट्रोल्स मिल जाएगा जो सही है। और पियानो ब्लैक में है, और सीट्स ना को राइडर सीट भी, और यहाँ आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। तो मैं दिखा दूँ ओपन करके, यहाँ पर देख सकते हो तो व्यू भी सही आता है, कतई जहर वाला। उधर उधर टाटा दिख रहा है, टाटा ही कार है, टाटा उधर दिखे गई। इसके बाद जो हम पीछे की बात करते हैं तो पीछे मतलब पूरा लाल ही लाल है ना। तो ये मतलब डेफिनेटली टॉप एंड नॉच कार है, तो वेरिएंट है, तो इसमें जो है फीचर्स भी उसी के मुकाबले मिलेंगे आपको। सारे हेडरेस्ट आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाएंगे, बीच में आपको आर्मरेस्ट भी इसके मिल जाएगा, सामने भी आर्मरेस्ट मिलता है, दिखा देता हूँ। कूल्ड है और यहाँ पर सॉकेट्स भी मिलते हैं 12 वाट के, ठीक है। पीछे डिक्की आप देख सकते हो, तो बूट स्पेस आपको 425 लीटर्स की जो है डिक्की मिल जाएगी। यहाँ पर जो है लैम मिल जाएगा, पार्सल ट्रे भी इसमें भी देखने को मिल जाता है। और नीचे यहाँ पर देख सकते हो कुछ टूल्स इसके ऑप्टिमली अच्छे से मैनेज्ड हैं, जो कि सही है। यहाँ पर जो है आपको हेलोजन लैम मिल जाता है, और
यहाँ पर हैंकर भी मिल जाता है जो कि सही है, प्रीमियम सी फिनिश देती है। इसके बाद जो है इंजन की हम बात करते हैं, तो यहाँ आपको जो है दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा होगा कि इसी की थीम पे ब्रेक है, बट पहले से ऐसा ही लिखा आता था। इसमें जो है आपको 2 लीटर की मल्टी जेट डीजल इंजन देखने को मिलता है, 4 सिलेंडर देखने को मिलेगा। पावर की बात करें तो 168 अप्रॉक्स 170 BHP निकाल देता है। टॉर्क आपको 350 Nm का निकाल देंगे। अगर कंपैरिजन करें हम स्कॉर्पियोन से, तो स्कॉर्पियोन में जो पावर मिलती है 174 BHP, वहीं टॉर्क 400 Nm मिल जाती थी। तो उसके मामले में पावर के मामले में कमी है, बट अगर आप इसको सिंगल चलाते हैं तो कभी भी कहीं भी नहीं लगेगा। हालांकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, वो रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन में मिल जाती है स्कॉर्पियोन ZL। और इसकी एक्सरूम प्राइसिंग की बात करें तो करीब करीब 24 लाख के आसपास एक्सरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइसिंग आपको करीब करीब 28 लाख के आसपास पड़ जाएगी। तो वीडियो देखने धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और पीछे जा रहे हैं उनकी कार की डिलीवरी होने वाली है। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू।